मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में ताजा अपडेट आ रही है। यूपी एसटीएफ के खिलाफ कोर्ट पहुंची मंगेश की मां शीला देवी, कहा एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर केस हो, पुलिस टीम पर एफआईआर दर्ज करने के लिए डाली अर्जी, बीएनएस की धारा 173(4) के तहत एफआईआर के लिए अर्जी दी गई है। इस मामले की अभी मजिस्ट्रेलियल जांच चल रही है। परिजनों का आरोप है कि मंगेश का जानबूझकर एनकाउंटर किया गया। यूपी एसटीएफ ने किया था मंगेश का एनकाउंटर, सुल्तानपुर डकैती कांड का आरोपी था मंगेश यादव, जिसके एनकाउंटर पर सियासी बवाल भी मचा था। और अब यूपी एसटीएफ के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई है मंगेश की मां शीला देवी। उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर केस होना चाहिए। मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में ताजा अपडेट आ रही है। यूपी एसटीएफ के खिलाफ कोर्ट पहुंची मंगेश की मां शीला देवी, कहा एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर केस हो, पुलिस टीम पर एफआईआर दर्ज करने के लिए डाली अर्जी, बीएनएस की धारा 173(4) के तहत एफआईआर के लिए अर्जी दी गई है। इस मामले की अभी मजिस्ट्रेलियल जांच चल रही है। परिजनों का आरोप है कि मंगेश का जानबूझकर एनकाउंटर किया गया। यूपी एसटीएफ ने किया था मंगेश का एनकाउंटर, सुल्तानपुर डकैती कांड का आरोपी था मंगेश यादव, जिसके एनकाउंटर पर सियासी बवाल भी मचा था। और अब यूपी एसटीएफ के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई है मंगेश की मां शीला देवी। उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर केस होना चाहिए।